येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। एग्जाम हो गया सबका? जी प्रभु जी हो गया। बहुत अच्छी बात है। कितने क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में? 5। कितने क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों के एग्जाम में? प्रभु जी 5। पाँच। चलो वेरी गुड। आगे से 10 कर देने का इनको। प्रभु जी डेली लेक्चर से 10? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, उससे क्या है कि कम से कम 10 बातें तो याद रहेंगी, बाकी कुछ याद रहे ना रहे। डेली लेक्चर से 10 बातें निकालने और 10 चीजें उनसे पूछ लेना। ठीक है जी प्रभु जी। वेरी गुड। आज आप लोग मंगल आरती के पहले ही आप लोगों ने जप में कई सारे लोगों ने भाग लिया, मेरे को पता चला। और मैं कल सोने में काफी लेट हो गया तो मैं उठ नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ। प्रयास करूंगा मैं कल से आप लोगों का साथ जुड़ने का। जप में कई सारे भक्त लोग आप लोग जुड़े थे, धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आज जूम लिंक का ये समस्या क्यों है? वो प्रभु जी तो हमारी दूसरी वाली आईडी थी जो परचेज था, तो उसमें कुछ इशू हो गया है, पता नहीं क्या। तो फिर ये पुराने वाले से हम इसमें 100 ही लिमिट है। ऐसे अचानक से इशू कैसे हो जाते हैं? वो प्रभु जी शायद उसका पासवर्ड चेंज किया और उन लोगों ने मना किया था कि आप पासवर्ड मत चेंज करना, तो शायद उस वजह से हो गया। तो पासवर्ड चेंज करने की आवश्यकता क्या थी? प्रभु जी आज दिन में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय है, जो 9वां अध्याय है, उसकी समाप्ति की ओर कृष्ण कृपा से गुरु वैष्णव की दया से हम पहुंचेंगे। और इसको समझना इतना सहज भी नहीं है और इसको समझना इतना कठिन भी नहीं। सहज उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो कि भगवान से ईर्ष्या करता हो, कठिन उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो भगवान से प्रेम करता हो। ये परम गुह्य ज्ञान, जिसको कि गुह्यतम ज्ञान कहते हैं, सर्वोत्तम ज्ञान कहते हैं, जिसमें कि हमने देखा सबसे पहले गुह्य ज्ञान क्या है। बोले गुह्य ज्ञान है हम ये मनुष्य शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। बहुत सारे लोगों को तो इसी चीज का कोई होश नहीं होता और वो विकर्मों में लगे रहते हैं। तो संसार में एक तरह के लोगों की कैटेगरी है जिनको विकर्मी कहते हैं। विकर्मी मतलब विपरीत कर्म, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर्म करते, जिनको ना शास्त्रों से कुछ लेना देना है, ना मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ इस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं। जैसा उनके दिमाग में भर दिया गया वो वैसा का वैसा ही कार्य करने लग जाते हैं। तो इन सभी लोगों को जिनको कि शास्त्रों से परे माना जाता है, अंत्यज माना जाता है, मलेच्छ माना जाता है, विकर्मी माना जाता है, अधर्मी माना जाता है या पापी माना जाता है, इम्पायस माना जाता है, ये सभी कैटेगरी के जो लोग हैं ये सभी इस गुह्य ज्ञान से परे रहने वाले लोग हैं। ये लोग कैसा जीवन जीते हैं? बोले जैसा मन करता है वैसा जीवन जीते। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। ये जानवरों वाला जीवन जीते हैं, बंदरों वाला जीवन जीते हैं। कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर, जहां जहां इनको कूदने की इच्छा होती है वहां वहां कूदते रहते हैं। ये मन के अनुसार जीवन जीते हैं। इनका परिणाम क्या होता है? बोले ये लोग नर्क में जाते हैं, क्योंकि जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, विकर्म करता है, आदेशों का पालन नहीं करता, उसे नरक में जाना पड़ता है। परिणाम में ये लोग सुख तो पाते नहीं, थोड़ी देर का सुख पाते हैं, क्योंकि इनके मन की बात हो जाती है। इनको दंड दिया जाता है। इनको 84 लाख योनियों में, अलग अलग प्रकार की निम्न योनियों में जाना पड़ता है। इनको गधा बनना पड़ता है, सुअर बनना पड़ता है, सांप बनना पड़ता है, छिपकली बनना पड़ता है, कॉकरोच बनना पड़ता है, मच्छर बनना पड़ता है, मछली बनना पड़ता है, कौवा बनना पड़ता है, चिड़िया बनना पड़ता है, हाँ दुनिया भर के कीट पतंग आदि, कोरोना वायरस बनना पड़ता है। इनको क्या नहीं बनना पड़ सकता, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 84 लाख योनियों में से ये लोग कुछ भी बन सकते हैं। जो अपने मन के अनुसार सोते हैं, अपने मन के अनुसार जागते हैं, जो अधिक सोते हैं वो लोग पोलर बियर भी बनना पड़ता है उनको, क्योंकि वो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं, हमने बताया था, या इनको विकर्मी कहते हैं। दूसरे लोग होते हैं जिन्हें कर्मी कहते हैं, या जिन्हें कर्म कांडी कहते हैं। कर्म के आधार पर शास्त्रों में जो कर्म करने के लिए बताए गए हैं, उस आधार पर ये लोग काम करते हैं। लेकिन इनका भगवान से कोई लेना देना नहीं होता। ये अपनी इच्छाओं के लिए कार्य करते हैं। ये कर्म कांड कहलाते हैं। अलग अलग शास्त्र का अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए पालन करते हैं। ऐसे पालन करने वाले लोग कर्म कांडी लोग कहलाते हैं, या कर्मी लोग कहलाते हैं। इनका परिणाम क्या होता है? ये लोग संसार में अपनी इच्छा रूपी जो वासना है उसकी पूर्ति करने के लिए ये इस प्रकार के कार्य करते हैं और इनकी पूर्ति होती है, और इससे ये संतुष्ट होते हैं। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होती है, क्योंकि संसार का कोई भी फल नश्वर है। और फिर ये तरह तरह की इच्छाएं करते रहते हैं। फिर इनको तरह तरह के जीवन में अलग अलग जैसी जैसी इच्छाएं हैं वैसे वैसे शरीरों में जाना पड़ता है। एक होता है दंड के कारण अलग शरीरों में जाना, एक होता है इच्छा के कारण अलग शरीरों में जाना। तो जब ये इच्छा की पूर्ति है तो अलग अलग प्रकार के शास्त्र के आदेशों का पालन करते हैं, तो उन शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए इनको आगे वृद्धि मिलती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति खाना चाहता है, तो किसी के मांस खाने की प्रवृत्ति है, तो एक तो है बिना शास्त्रों के मांस खाना और एक है शास्त्र विधि के अनुसार मांस खाना। तो कोई शास्त्र विधि के अनुसार मांसाहार करना चाहता है तो उसमें उसको माता काली को ऑफर करना पड़ता है, और उसमें उस जीव के कानों मंत्र फूकना पड़ता है, और उसका अर्थ होता है माम सह। बोले जो ये जीव है, बोले ये मैं बनने के लिए तैयार हूँ। आज मैं अपनी जीव के स्वाद के लिए इसको मार करके खा रहा हूँ, कल ये चाहे तो मुझे मार करके खा सकता है, कल मैं ये बन जाऊंगा। अर्थात आज मैं बकरा खा रहा हूँ तो कल मैं बकरा बनने के लिए तैयार हूँ, कल ये मुझे मार करके खा सकता है। तो उसको भी बकरे का शरीर मिलता है। एक को दंड के कारण भी बकरे का शरीर मिल सकता है, और एक को उस कर्म कांड के अंतर्गत शास्त्र का आदेश का पालन करने के कारण बकरे का शरीर मिलता है, जिसने उसमें वो डील की है, उसमें थोड़ा कम कष्ट होता है। लेकिन उसको भी 84 लाख योनियों में जाना पड़ सकता है, और वो व्यक्ति स्वर्ग आदि की ओर भी जा सकता है। वो व्यक्ति चाहे तो अलग अलग देवताओं की ओर भी जा सकता है, वो चाहे तो भूतों के पास भी जा सकता है, जैसा कि भगवान ने कल बताया था, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेजा। इस प्रकार से जो जिस प्रकार का आराधन करता है शास्त्र के अनुसार, वो उस प्रकार की गति को प्राप्त करता है। इससे ऊपर की जो कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको दूसरी कैटेगरी में बांटा जाता है, जिनको कहते हैं ज्ञानी और योगी। यहाँ तक जो बताए गए वो कौन से थे? पहले बताए गए विकर्मी, जिनको की 84 लाख योनियों में या नरक में जाना पड़ता है। दूसरे बताए गए कर्मकांडी, जो कि अभी योगी नहीं है, वो कर्मकांडी है। तीसरे बताए जाते हैं जिनको कर्म योगी कहते हैं। कर्म योगी मतलब जो भगवान के साथ जिनका कनेक्शन होता है, जो भगवान की सेवा करते हैं, जो हमने पहले भी बताया था। कर्मयोगी दो प्रकार के होते हैं, सकाम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी। जो सकाम कर्मयोगी है उसको क्या प्राप्त होता है? बोले भगवान की सेवा करता है, वो भी स्वर्ग आदि जा सकता है, वो भी 84 लाख योनियों में अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु जा सकता है, वो उसको पुनः मनुष्य शरीर में प्राप्त हो सकता है, भगवान कृपा करते हैं उसके ऊपर। और धीरे 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 वो भक्ति की ओर आगे बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी शुद्धि होती है इच्छा की पूर्ति के साथ साथ, जिसमें कि उसकी कर्म से अटैचमेंट होती है, कर्म के फल से अटैचमेंट होती है, उस फल में से थोड़ा सा अंश भगवान को देता है, जिसके कारण वो भगवान से जुड़ता है, और भगवान से जुड़ने के कारण धीरे धीरे उसका प्योरिफिकेशन आगे बढ़ता है। वो जड़ की ओर जा रहा है, अभी भगवान की ओर जा रहा है, वो कर्मयोगी कहलाता है। निष्काम कर्मयोगी उसको कहते हैं जिसकी प्रगति बड़ी तीव्रता से होती है, वो भी स्वर्ग आदि की ओर जाता है, उसको भी पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होता है अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उसको वैष्णवों के घर में भी जन्म मिल सकता है। वो निष्काम कर्मयोगी का फल प्राप्त करता है, देवता आदि अन्य लोगों को जा सकता है, उसकी ऐसी इच्छाएं हैं उसके अनुसार उसको प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है, उसकी अपनी कोई फल को लेकर बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा नहीं होती, उस कर्म से जरूर अटैचमेंट होती है जिस कर्म में वो जुड़ा हुआ है, जिस कर्म से वो फल प्राप्त कर रहा है, तो निष्काम कर्म होता है। ये बहुत तेजी से अपनी प्रगति कर लेता है, ये भी भगवान की ओर आगे बढ़ता है। तो पहला बताया हमने विकर्मी, दूसरा बताया कर्मी कर्मकांडी जिसको कहते हैं, तीसरा बताया योगी जिसे कर्मयोगी कहते हैं। कर्मयोगी के दो भाग बताए, सकाम कर्मयोगी जिसमें वो कर्म और फल दोनों से अटैच रहता है, तीसरा बताया जिसमें कि कर्म और फल से अटैच ना होकर के केवल कर्म से अटैच रहता है, और कर्म से अटैचमेंट होने के कारण कर्म का जो फल आता है उसको भगवान को सौंपता है, और उसकी प्रगति काफी तेजी से होती है, वो भी भगवान की ओर बड़ा आगे से तेजी से बढ़ता है। इससे ऊपर होते हैं जिन्हें ज्ञान योगी और ध्यान योगी कहते हैं, अर्थात ज्ञान योगी को ज्ञानी कहते हैं और ध्यान योगी को योगी कहते हैं, सिंपल शब्दों में अष्टांग योगी भी कहते हैं उसको। इसलिए ज्ञानी और ध्यानी इन लोगों को क्या प्राप्त होता है? बोले ये लोग ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, अष्टांग योग पद्धति का आश्रय लेते हैं, संसार में न किसी फल से आसक्त होते हैं, न संसार के किसी कर्म से आसक्त होते हैं, ये संसार से मोक्ष की कामना करते हैं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है या ध्यानी व्यक्ति होता है वो मोक्ष के लिए अनुशीलन करता है, उनको संसार में पुनर्जन्म का चक्र नहीं झेलना पड़ता, वो स्वर्ग आदि की ओर भी नहीं जाते, उनको परिणाम में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इन सब से ऊपर होता है उसको कहते हैं भक्ति योगी। तो जो ज्ञानी है और जो ध्यानी है ये भगवान के उपासक बनते हैं, जो कर्मी है निष्काम कर्म योग आदि है इसमें ये लोग भगवान की अलग अलग उपासना में लगते हैं, ये तरह तरह की उपासनाओं में लगते हैं, जो कि यहाँ पर भगवान ने श्लोकों में बड़े विस्तार से बताया था। तो जो पहले वाले जो व्यक्ति थे विकर्मी थे, कर्मी थे और कर्मयोगी थे एक प्रकार से, इन तीनों के फल जो प्राप्त होते हैं वो नश्वर फल प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको अल्पज्ञ कहा जाता है। इससे ऊपर जो योगी है या ध्यान योगी है या ज्ञान योगी है, इनको जो फल प्राप्त होता है वो नश्वर नहीं होता, वो भगवान के धाम की ओर आगे बढ़ते हैं। जो मार्ग हमने बताए थे दो तरह से योगी वगैरह जाते हैं, एक तो चंद्रमा के माध्यम से जाते हैं, रात्रि के माध्यम से जाते हैं, धूम्र का रास्ता अपनाते हैं या प्रकाश का रास्ता अपनाते हैं, और ये इस तरह से भगवान की ओर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। वैकुंठ आदि की कभी कभी ये लोग प्राप्ति कर लेते हैं, वैकुंठ की भी प्राप्ति कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन ये रास्ता बड़ा कठिन होता है ज्ञानियों के लिए और योगियों के लिए। इसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक का जो प्रयास है, इन सब प्रयासों में जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उनको अपनी ओर से किसी भी चीज के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, जिसमें विकर्म के जो परिणाम थे बड़े दर्दनाक थे। नारकी गति थी, 84 लाख योनियां थी, जन्म मरण का चक्र था। उसके बाद जो कर्मयोगी था, ज्ञान योगी था, ये कर्मयोगी था। ये कर्मयोगी तो शाश्वत फल नहीं प्राप्त होता, इसको संसार में स्वर्ग आदि का फल प्राप्त होता है, चाहे वो सकाम कर्मयोगी हो या निष्काम कर्मयोगी हो, लेकिन इनके भक्ति में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इनको जो फल की प्राप्ति होती है वो भी 84 लाख योनियों में जाना तो पड़ता ही है, और इनका फल शाश्वत नहीं होता और वो देवता लोगों के उपासक बन जाते हैं, अलग कैटेगरी के उपासक बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग बता रहे थे सुबह प्रथम क्लास में भी, ये लोग या तो मायावादी बन जाते हैं, मायावादी बन करके सब भगवान है ऐसा सोचते हैं, और ऐसा सोच करके उनकी धारणा होती है किसी का बुरा मत करो क्योंकि सब भगवान है, सबका भला करो। ये लोग कोई भगवान की आराधना भगवान के रूप में अलग से मान करके नहीं कर पाते। एकत्व इनका सिद्धांत इनके जीवन में रहता है। दूसरे होते पृथक, तो इन जो भगवान को सब में नहीं देखते, उस तरह से नहीं देखते क्या ये भी भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, वो भी भगवान। ये भगवान को अलग देखते हैं और सोचते हैं पीपल में भगवान है, नीम में भगवान है, गंगा जी में भगवान है, यमुना जी में भगवान है, और गाय में भगवान है। कुछ लोग कुत्ते में भी भगवान देखते हैं। इस तरह से अलग अलग, कोई पीर बाबा में भगवान देखेगा, कोई दरगाह में भगवान देखेगा, कोई किसी समाधि में भगवान देखेगा। इस प्रकार से अलग अलग लोगों में भगवान की अनुभूति करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ये पृथक ट्रेन की कैटेगरी में आते हैं। यही लोग देवताओं में भी भगवान को देखते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की भगवान के रूप में आराधना करेंगे, शुक्रवार को संतोषी माता के रूप में आराधना करेंगे, शनिवार को शनि देव के रूप में आराधना करेंगे, रविवार को ये लोग सूर्य देव के रूप में आराधना करेंगे, सोमवार को चंद्र देव के रूप में आराधना करेंगे, बुधवार को पता नहीं कौन कौन सी आराधना करेंगे। इनकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। ये किसी न किसी को अपने जीवन में धारणा बना करके इस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते हैं। गुरुवार को लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, कुछ लोग साईं बाबा को गुरुवार को आराधना का अपना देव बना लेते हैं। इसलिए लोग बड़ी कट्टरता से व्रत आदि करते हुए इनकी धारणा के अनुसार वही भगवान है। और दुर्गा माता की आराधना करेगा तो बिल्कुल दूसरी आराधना करेगा। ये तरह तरह की आराधना करते हैं। ये पृथकत्वेन की कैटेगरी है। पहला था एकत्वेन, जिसमें सबको भगवान मान करके आदमी चल रहा था, इसे मायावाद सिद्धांत कहते हैं। ये सबसे निकृष्ट स्तर के लोग होते हैं। इनसे श्रेष्ठ होते हैं जो अलग भगवान की सत्ता के रूप में देख करके चलते हैं, और इनसे भी श्रेष्ठ होते हैं जो भगवान को विश्वतोमुखम, अर्थात भगवान एक है, भगवान अनेक नहीं है, भगवान विराट रूप में इन सब को धारण करने वाले भगवान एक ही हैं, जिन्हें विराट रूप भगवान का कहा जाता है। बोले वो विराट रूप की आराधना करते हैं। हम एक घर में गए थे तो उन्होंने अपने बेड के पीछे की ओर विराट रूप का फोटो लगा रखा, उसमें सब अंदर समाये हुए हैं। तो इस प्रकार से विराट रूप से जो आराधना करते हैं वो फिर भी इन सब लोगों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने बताया विकर्मी लोग किसी की आराधना नहीं करते, अपने मन की पूजा करते हैं, परिणाम में नरक में जाते हैं। कर्मकांडी लोग मतलब के अनुसार आराधना करते हैं, शास्त्र के आदेश का पालन करते हैं, परिणाम में 84 लाख योनियों में जाते हैं। जो कर्मयोगी हैं वो संसार में ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, स्वर्ग आदि के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वो तरह तरह के देवी देवताओं की आराधना करते हैं, अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए भगवान की भी आराधना कर सकते हैं वो, लेकिन इनका परिणाम बोले नश्वर होता है। जो योगी हैं और ज्ञानी हैं वो लोग मुक्ति की कामना करते हैं, मुक्ति के लिए यत्न करते हैं, और इस प्रकार से इनको परिणाम में शाश्वत फल प्राप्त होता है, और ये भगवान की विराट रूप की आराधना कर सकते हैं या भगवान के साकार रूप की आराधना कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रयास से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने योग के माध्यम से ये मोक्ष का फल चाहते हैं। इतना आसानी से जहाँ तक हमें लगता है आप लोगों को समझ आया होगा। अब इस कैटेगरी में हमने सीखा कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति है, उसको करना क्या होता है और उसका फल क्या है। अब इनमें से जो भी अभी तक हमने बताए ये लोग अपना प्रयत्न करते हैं और अपने प्रयत्न से प्राप्ति करते हैं। इनसे ऊपर की कैटेगरी है जिसमें कि भगवान की आराधना सकाम, ये भगवान की आराधना साकार रूप में कोई व्यक्ति करता है और भगवान को जो कि वास्तव में भगवान है वो मान करके भगवान की आराधना करता है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवतों में बताया, एतेच अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बोले भगवान तो स्वयं श्री कृष्ण ही है। बाकी जो अभी तक मैंने जिन अवतारों का वर्णन किया, बोले भगवान के अंश अवतार हैं, कला अवतार हैं, ये भी भगवान ही है, लेकिन ये आंशिक रूप से भगवान है। स्वयं भगवान पूर्ण भगवान तो श्री कृष्ण है। तो जब कोई व्यक्ति इन अवतारों की भी आराधना कर लेता है साकार रूप में, या भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लेता है, जो कि भगवान में और भगवान के अवतार में कोई अंतर नहीं है, इस प्रकार से इनकी जो आराधना करता है और भक्ति से युक्त होकर के आराधना करता है। भक्ति उसको कहते हैं जिसमें कि सेवा है, जिसमें कि उसके मन में कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है, न संसार में उसकी भोगों की आकांक्षा है, न संसार में उसको मोक्ष की आकांक्षा है, वो केवल और केवल भगवत सेवा की आकांक्षा के साथ आगे बढ़ता है। जब ऐसी धारणा के साथ जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बोले उसको परिणाम में क्या प्राप्त होता है, बोले उसको परिणाम में साक्षात भगवत आनंद प्राप्त होता है। बोले ये आनंद कैसे प्राप्त होता है, बोले ये आनंद के लिए उसको यत्न नहीं करना पड़ता, उसको यत्न के रूप में भगवान आते हैं और भगवान लेकर के जाते हैं। उसका उद्धार अपने प्रयास से नहीं होता जैसे ज्ञानी और योगी का हो रहा था, या उसकी इच्छाएं अपने प्रयास से पूर्ति करने की चेष्टा नहीं करनी पड़ती उसको, उसकी सारी इच्छाएं या उसका उद्धार या उसको भगवत आनंद ये साक्षात भगवान उसके पास आकर के देते हैं। ये विशेषता है इस भक्ति योग के अंतर्गत। ना उसको सूर्य के मार्ग से जाना पड़ता है, ना उसे उत्तरायण का टेंशन उठाना पड़ता है, ना उसे दक्षिणायन का टेंशन उठाना पड़ता है, ना उसे दिन का हेडक होता है, ना उसे रात्रि का हेडक होता है, ना उसे संसारी किसी शास्त्र के आदेश के अनुसार कर्म आदि का हेडक होता है। वो तो केवल भगवत आदेश पर भगवत भक्ति करता है बस, और भगवत भक्ति करने के कारण भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। इसलिए अन्य लोगों को अपने प्रयास से सफलता प्राप्त होती है और जो भक्त होता है उसको भगवान की कृपा से भगवान स्वयं अपने आप आकर के। जैसे हमने देखा शबरी माता का चरित्र देखने में आता है, शबरी माता बहुत निम्न जाति की स्त्री थी, शबर जाति की स्त्री थी, भील जाति की स्त्री थी, और जब उनके गुरुजी जाने लग गए मतंग ऋषि, तो वो भी कहने लगी मैं भी आपके साथ चलूंगी गुरुदेव, मैं आपके बिना संसार में नहीं रह सकती। बोले नहीं बेटा, तुम यही आश्रम में रहो और आश्रम में रहकर भक्ति करो। भक्ति कैसे करनी होती है, बोले भगवान का भजन करो बस, भगवान के नाम को जपो। भगवान साकार रूप से संसार में विराजमान है, जब साकार रूप है तो उनका नाम भी है, जब उनका नाम भी है तो उनके काम भी है। इसलिए भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान के गुण है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान ने जहाँ लीलाएं की वो भगवान का धाम है, जहाँ भगवान का धाम है वहाँ भगवान के भक्त रहते, भगवान के जन हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हुए लीलाएं करते। इस प्रकार से भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जन, इनका शरण लेकर के तुम भक्ति करो। तो उन्होंने क्या किया, पूरा जीवन निष्ठा के साथ एक ही काम, भक्ति, कोई दूसरा काम। जैसे उन्होंने एक बड़ा सुंदर भजन गाया जो गुरु महाराज भी गाते हैं, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे यादासी की कुटिया। हे रघुकुल नंदन कब आएंगे। तो क्या करती है वो, केवल भक्ति करती है। और भक्ति में क्या है, जो गीता में भगवान ने यहाँ 26वें श्लोक में इस अध्याय में बताया जो हमें इस अध्याय को विशेष रूप से हमें समझना है, ये परम गुह्य ज्ञान है जिसमें हमारी भूल हो जाती है। कई बार हमारे दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं पाती। संसारी लोगों के दिमाग में, जो मोटी बुद्धि के लोग हैं, उनके दिमाग में बैठ ही नहीं पाती कि वो भगवान श्री कृष्ण है। बोले एको देवो, एक ही देव होने चाहिए। कौन है? बोले अच्युतो यथा, अच्युत भगवान, और कोई देव नहीं। ये बात, ये एकत्वेन पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम, विराट रूप से भी ऊपर की बात है, जिसको कि भगवान ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं कि कई बार हम चकरा जाते हैं। हमारी तो चलाई क्या, ब्रह्मा आदि भी चकरा जाते हैं, देवराज इंद्र आदि भी चकरा जाते हैं। भगवान जब ऐसी मनोहारी साकार रूप से लीला करते, इसलिए इस ज्ञान को परम गुह्य ज्ञान भगवान ने कहा। पहला ज्ञान क्या था? हम शरीर नहीं, आत्मा है। दूसरा ज्ञान था गुह्यतर ज्ञान, जिसको कहते हैं, बोले योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा, योगियों में सबसे बड़ा योगी बोले भक्ति योगी है, जिसमें अपनी ओर से उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, भगवान स्वयं आ जाते हैं। जैसे शबरी माता के लिए भगवान स्वयं पूछ पूछ करके भगवान वहां पहुंचे, और भगवान ने विमान बुला करके और उनको विमान में बिठा करके भेज दिया। भारद्वाज मुनि के पास भी भगवान स्वयं गए और वहां पर विमान बुलाया और विमान पर भरूल करके भगवान ने उनको भेजा। तो भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार से भेजते हैं, लेकिन इसमें हम कई बार चकरा जाते हैं। बोले गुह्यतर ज्ञान तो है, भक्ति योगी सबसे बड़ा, बोले उससे भी बड़ा गुह्यतम ज्ञान है, जिसमें कि भगवान के साथ भगवान के भक्त का जो संबंध है, बोले वो संबंध हम कई बार भटक जाते हैं। बोले संबंध किसका? बोले भक्ति के कारण संबंध भगवान का भगवान के भक्तों से जुड़ता है। बोले भक्ति क्या है? बोले भक्ति सेवा है, और कुछ भी नहीं। बोले जो सेवा का संबंध है, ये हमारे दिमाग में आसानी से स्थिरता के साथ नहीं बैठ पाता, क्योंकि हमको क्या लगता है, हमें यही समझ नहीं आ पाता कई बार कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कई बार लोग भगवान को इस भक्ति के संबंध के कारण भ्रमित होकर के भगवान को भुला देते हैं, भगवान का त्याग कर देते हैं। जैसे कितने सारे लोग अपने जीवन में ऐसा देखते हैं, जब कोई व्यक्ति उनको आकर के कहता है और कहता है, पता बोले क्या, भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वर भगवान की स्थापना की। बोले रामेश्वर की स्थापना की, तो रामेश्वर का अर्थ क्या है? बोले शंकर भगवान राम के ईश्वर है, क्योंकि वो पार तो हो नहीं पा रहे थे, पार नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने शंकर जी की स्थापना की। बोले वो क्या बन गए? बोले राम के ईश्वर। हाँ, ये बात सच थी। सारे देवता लोग भी आकर के यही घोषणा कर रहे थे, बोले महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान राम के साथ वो भी जय जयकार महादेव की कर रहे थे, और महादेव का जो लिंग का स्थापना किया था शंकर भगवान का, भगवान राम ने जब इस जय जयकार को सुना तो उनका वो शिवलिंग फटा, और वहां से साक्षात शंकर भगवान प्रकट हुए। और प्रकट हुए, अरे मूर्खों, ये लोग तुम क्या गा रहे हो? अरे मेरा नाम इन्होंने रामेश्वर रखा है, मैं इनका ईश्वर नहीं हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं राम का ईश्वर हूँ, इसका अर्थ है राम ही ईश्वर है मेरे। इसलिए रामेश्वर का अर्थ ये नहीं कि राम के जो ईश्वर हैं, रामेश्वर का वास्तविक अर्थ है राम जिनके ईश्वर हैं। ये संस्कृत की विशेषता है, जिसमें कि कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते इनके गहरे अर्थों को। तो शंकर भगवान ने सबको चुप कराया। तो लोग साधारण बुद्धि से क्या करते हैं, बहस करेंगे दुनिया भर के संसार में, इसलिए लोग साकार उपासना को आसानी से समझ नहीं पाते। कोई व्यक्ति कहे, अच्छा ये बताओ, देखो किसने किसकी पूजा की? भगवान राम ने शंकर भगवान की पूजा की ना, तो फिर कौन बड़े हुए? तो शंकर जी बड़े हुए। सीधी सी बात है, फिर इसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? सबसे बड़े शंकर जी। इस प्रकार से लोग भगवान राम की उपासना से भटक गए। इस तरह से अगर देखा जाए तो रथ में भीतर कौन बैठा हुआ और रथ को चला कौन रहा है? रथ में बैठे हुए अर्जुन हैं और चला रहे हैं श्री कृष्ण। तो फिर बड़ा कौन हो गया? यहाँ से देखा जाए तो फिर तो अर्जुन बड़ा हो गया और भगवान श्री कृष्ण छोटे हो गए। यहाँ अगर गोपियां कह रही हैं, कन्हैया जाओ कड़ाऊ लेकर के आओ, तो भगवान से दोनों चप्पल तो लकड़ी की उठ नहीं रही है, एक चप्पल को उठा करके लेकर के आ रही है। तो यहाँ से कौन बड़ा हो गया? यहाँ से तो बोले गोपियां बड़ी हो गई। बोले क्या गलत है? बोले नहीं, गलत है भी और गलत नहीं भी है। बोले भगवान के भक्त भगवान से बड़े नहीं होते। भक्तों से पूछो जा करके तो भक्त कहेंगे अरे भैया सबसे बड़े तो भगवान ही है। लेकिन फिर बोले भक्त ऐसा अत्याचार भगवान के ऊपर क्यों कर रहे हैं? बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कर रहे हैं, भगवान को अच्छा लग रहा है। दूसरा चीज, भगवान स्वयं छोटे बन जाते हैं अपने भक्तों के लिए। क्यों छोटे बन जाते हैं? क्योंकि भक्ति के कारण। दुर्वासा ऋषि को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े ध्यान योगी थे और उन्होंने एक भक्ति योगी का अपराध कर दिया, अम्बरीश महाराज का अपराध कर दिया। परिणाम क्या हुआ? उनको तड़पना पड़ा, उनको जलना पड़ा सुदर्शन चक्र के ताप से। ऐसा हम सबके जीवन में भोगना पड़ सकता है अगर हम इस भक्ति के सिद्धांत को नहीं समझते, इस सेवा के सिद्धांत को नहीं समझते। इसलिए वास्तव में बड़ा क्या है? बोले वास्तव में बड़ी भक्ति है। भक्ति इतनी बड़ी है कि संसार के किसी भी व्यक्ति को विनम्र बना देती है, छोटा बना देती है। तृणाद अपि सुनीचेन तरोर अपि शैष्णनम अमान न मानदेन कीर्तने सदा हरि। दूसरी ओर भक्ति इतनी बड़ी है, कृष्ण आकर्षणी, ये कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है, कृष्ण को भी खींच लेती है। इसलिए तो कृष्ण को भी छोटा बना देती है, कृष्ण को भी सारथी बना देती है, कृष्ण को भी पूजक बना देती है अपने भक्त का। जैसे सुदामा जी की पूजा किया, जैसे शंकर भगवान की पूजा किया, जैसे भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, क्या नहीं भगवान करते। भगवान झूठी पत्तलें उठा लेते हैं अपने भक्तों की, भगवान अपने भक्तों के चरण धोते हैं। राजसूय यज्ञ में जितने भी ऋषि मुनि आए भगवान उन सबके चरण धोए, भगवान महाराज युधिष्ठिर के पैर छूते। महाराज युधिष्ठिर जानते हैं, वो रोते भी हैं अंदर ही अंदर, और लेकिन क्या करें, भगवान को जानते कि भगवान भक्ति के वशीभूत होकर के ऐसा करते हैं। हम उनको थोड़ी रोक टोक कर सकते, वो तो परम स्वतंत्र है। इस प्रकार से यहाँ से हमें सीखने को मिल सकता है कि जो भक्ति है ये कितनी श्रेष्ठ है, उसको हमें समझना है। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन ये परम गुह्य ज्ञान है, इससे बड़ा और कोई ज्ञान ही नहीं, जिसमें क्या करना है, भक्ति करनी है। शाश्वत फल प्राप्त होता है, मोक्ष आदि का कोई झंझट ही नहीं, सीधा भगवत आनंद प्राप्त होता है। मोक्ष तो बोले भक्त लात मार देता है, मोक्ष जैसी चीज को भक्त लात मार देता है। बोले मोक्ष लघुता, भक्ति तो इतनी बड़ी चीज है कि भक्ति के करने वाले व्यक्ति को मोक्ष लघु माने तुच्छ पर दिखाई देता है, मोक्ष को भी तुच्छ बना देती है भक्ति। इसलिए भगवान ने इस अध्याय को परम गुह्य ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। और देखो कितना सरल, कितना सहज है। 26वें श्लोक में भगवान के पत्रम पुष्पम फलम त्वयम्, क्या करना है इस भक्ति में, केवल पत्ता अर्पण कर दो भगवान को, केवल फल अर्पण कर दो, लेकिन बिना ईर्ष्या के। फल आदि तो दुर्योधन ने भी अर्पण किया था। देखो वास्तव में सुनने की योग्यता तो ईर्ष्या रहित व्यक्ति की ही होती है। क्या भगवान शांति दूत बन करके दुर्योधन को सुनाने के लिए नहीं गए थे? भगवान ने यही दिव्य ज्ञान तो दुर्योधन को भी दिया, लेकिन क्या दुर्योधन इस ज्ञान को सुन पाया था? दूसरी ओर अर्जुन ने इस ज्ञान को सुन लिया था। दुर्योधन के अंदर क्या है? बोले ईर्ष्या भाव है। क्या ईर्ष्या भाव है? बोले 5 गांव भी नहीं दे सकता। भगवान की बातें सुन रहा है, किस लोभ में सुन रहा है? भगवान आए, भगवान को बड़ा सुंदर उसने भोजन व्यवस्था किया और रहने के लिए भगवान के लिए उसने दुशासन का महल सजाया। दुशासन का महल बहुत अपने आप में ऑपुलेंट था, सोचा यहाँ रहने की व्यवस्था करते हैं। हम लोग तो दुर्योधन के बराबर भी नहीं है। हम लोग तो भगवान की रहने की व्यवस्था ऐसी जगह करते हैं घर के अंदर जहाँ दुनिया भर के जाले लगे रहते हैं, बिल्कुल सीढ़ी के नीचे कॉर्नर में जहाँ कोई नहीं जाता उस सिवाय मकड़ी के। दुर्योधन ने कम से कम अपना काम निकालने के लिए उनकी व्यवस्था दुशासन के महल में किया और 56 भोग आदि सब व्यवस्थाएं बनाया। लेकिन जैसे ही उसके मतलब के ऊपर आंच आई, जैसे ही मतलब के ऊपर विपत्ति आई, जैसे ही उसको दिखाई दिया कि अरे ये तो 5 गांव ले जाएंगे, नहीं इमेजिन सारे संसार का राजा होने वाला व्यक्ति इतना टेंशन में आ गया, इतना भोगी, इतना भोग करने की प्रवृत्ति के लिए तो 5 गांव ले जाएंगे। इतने में ही उसने असली रूप दिखा दिया, बोल बंदी बना लो इसको। वाला माया दिखा रहा है हमारे सामने आकर के बंदे बनाने चल पड़े। ये संसारी लोगों की ईर्ष्या प्रकट होती, जैसे कंस की ईर्ष्या प्रकट होती। कंस देवकी को कितना प्रेम करता था, जबकि चाचा की लड़की थी, अपनी सगी बहन भी नहीं थी। सगी बहन को भी कोई ड्राइवर बन करके लेकर के ससुराल तो छोड़ करके नहीं आता, वो चाचा की लड़की को इतना प्रेम, वो भी साधारण नहीं, इतना बड़ा राजा। एक प्रकार से देवता भी जिस व्यक्ति से डरते हों उसका टौर तो अलग ही होता है। वो रथ हाँक करके ले जा रहा है, लेकिन उसको जैसे ही घोषणा प्राप्त हुई, अरे मूर्ख, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। इतनी देर में देखा जाए तो तुरंत थोड़ी काला आना था, 8वां गर्भ होने वाला था। पहला बच्चा होता तो हो सकता है तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़ती, 8वां गर्भ का नाम सुनते ही सब रिलेशनशिप उसकी सब दूर चली गई, और इतना घोर ईर्ष्यालु बन गया कि सीधा बाली पकड़ लिया, गर्दन हो गया। तो इससे पता चलता है हम सबके अंदर क्या है, ईर्ष्या भरी पड़ी है। इसलिए परम गुह्य ज्ञान हमारे दिमाग में घुसता नहीं है। हम करते तो हैं ऊपर ऊपर से, दुर्योधन की तरह भोग लगाते हैं, भगवान की बातों को भी सुनने के लिए जाकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही घाटे की बात आती है सामने, जैसे ही ऐसा लगता है कि अरे मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरी बीवी छूट जाएगी, मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरा शरीर छूट जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, कहाँ से आएगा व्यवस्था, कैसे, सब भगवान को साइड में रख देते हैं। अब उनको परम गुह्य ज्ञान समझ आएगा, किसी को नहीं समझ आएगा। इससे पता चलता है अंदर से हम कितने ईर्ष्यालु हैं। और कहाँ मृत्यु की कोई चिंता नहीं अर्जुन को, कितनी विनम्रता है। इसलिए योग्यता के रूप में इस परम गुह्य ज्ञान को अगर समझना है तो पहला चीज अनुसूया भी, कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज विनम्रता होनी चाहिए। तीसरा चीज जिज्ञासु होना चाहिए। ये सब की पॉइंट्स हैं परम गुह्य ज्ञान रूपी सक्सेस को पाने के लिए। अगर हम भगवान को अपने पास बुलाना चाहते और सोचते कि भगवान हमें लेकर के चले जाएं, हमारे बस की बात है नहीं। आज के समय में ज्ञानी बनने की, ध्यानी बनने की, कर्मकांडी बनने की, कर्मयोगी बनने की, ये इतना सरल नहीं है। हमें भक्ति योगी बनना होगा, और भक्ति योगी बनने से ही भगवान स्वयं आकर के लेकर के जाएंगे। लेकिन वो तभी संभव होगा। चल रही है ये तभी संभव होगा जब हम ऐसे भक्ति योगी बने कैसे अर्जुन वाले, जिनको कि मृत्यु का कोई डर नहीं, सामने युद्ध खड़ा है और जिज्ञासा कर रहे हैं। देखा जाए तो शिक्षा तो अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य से ली है, वही शिक्षा दुर्योधन के गुरु अलग थोड़ी थे। दुर्योधन के भी वही गुरु है, अर्जुन के वही गुरु है, लेकिन अर्जुन विनम्र है, ईर्ष्यालु है। उन्होंने इस भक्ति रहस्य को सीखा और इस संबंध ज्ञान को समझ लिया। ये संबंध ज्ञान सबसे बड़ा है, ये भक्ति का ज्ञान सबसे बड़ा है, ये परम गुह्य ज्ञान है, जिसमें आदान प्रदान करना होता है। भगवान में निष्ठा के साथ आदान प्रदान करना होता है। इसलिए ऐसी निष्ठा में क्या होता है, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जब परम गुह्य ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा ना, ईर्ष्या रहित होकर के, तब हमारा भावोदय हो जाएगा। और जब हमारा भावोदय हो जाएगा, उस स्थिति में हम फूल देंगे तो भगवान उस फूल के लिए पागल हो जाएंगे। अरे फूल तो क्या, हम भगवान को गाली देंगे तो भगवान गाली के लिए पागल हो जाएंगे। गोपियां भगवान को गालियां देती हैं और भगवान को गालियां बहुत अच्छी लगती हैं। गुरु महाराज इसी बात को भजन के माध्यम से समझाते हैं। भगवान के लिए कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक संहार, भाव से जो मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक सार, भाव, हाँ, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाइए मेरे बस यही मेरा सत्कार। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस एक सार। तो भाव तो मन में होता है ना। बोले अगर आपके पास बाहर से फूल भी नहीं है ना देने के लिए और मन में ही आपने फूल सोच लिया और मन में ही बढ़िया चंपा का फूल तोड़ करके भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान उसको भी। इसलिए भगवान क्या स्वीकार नहीं करते, ये भगवान भावना के भोग है। लेकिन हमारे मन में तो अलग ही लड्डू फूटते रहते हैं और ऊपर से हम भक्ति का अलग नाटक करते। इसलिए इस भक्ति को हमको समझना होगा। जहाँ भगवान ने घोषणा की, बोले ये हमको लग रहा इतना परम गुह्य ज्ञान है जिसमें पत्ता देना है, फूल देना है, फल देना है, ये परम गुह्य ज्ञान कैसे? बोले हाँ ये परम गुह्य ज्ञान है, इसके पीछे TNC अप्लाइड है। वो TNC क्या कह रहा है? बोले आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और आपके अंदर इतनी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि गुह्य ज्ञान जिसमें आत्मा का ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान जिसमें भक्ति योग को समझना कि भाई हम बेकर्मी नहीं बनना है, हमें कर्मी भी नहीं बनना है, हमें कर्म योगी भी नहीं बनना है और हमें ज्ञान योगी भी नहीं बनना है, हमें ध्यान योगी भी नहीं बनना है और उससे ऊपर जाकर के हमें भक्ति योगी बनना है। भक्ति योग में स्वयं भगवान है और उसमें क्या करना है? अंदर एब्जॉर्ब होना सीखना है। कैसे होंगे? बोले भक्ति योगी अगर ऐसे नहीं भी है ना, इतनी मन में भावना भी नहीं है ना, तो भी बोले ये प्रोसेस इतना पावरफुल है कि सेवा में लग जाओ। क्या करो? फूल मिलाकर के पत्र पुष्प फल तो है, ये चालू कर दो, बस इतना सिंपल सा काम चालू तो कर दो। तुम्हारी भावना नहीं, ईर्ष्या आदि से भरे पड़े, कोई बात नहीं, फिर भी चालू कर दो। जब हम चालू कर देंगे निश्चित रूप से भक्ति में आगे अपने आप हमारा जागृति होने लग जाएगी, हमारी सोई हुई भक्ति। इच्छाओं के साथ ही जैसे येन केन प्रकारेण अगर भगवान के मन को निवेशित करेंगे, येन केन प्रकारेण मना निवेश कृष्ण मना निवेश, कृष्ण में मन को निवेशित अगर हम करने लग जाएंगे तो हम निश्चित रूप से इस चीज की फीलिंग करेंगे। ये परम गुह्य ज्ञान का ये 26वां श्लोक है जिसमें भगवान 27वें श्लोक में भी आगे भगवान ने कहा था और इसका परिणाम ये होगा शुभ अशुभ फले रेवम, हम सारे शुभ अशुभ संसार के सब फलों से मुक्त होकर के। कल के दिन भी हमें इस अध्याय को थोड़ा सा रूप में बताएंगे। इसलिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस परम गुह्य ज्ञान को आप सभी अच्छी तरह समझ लीजिए और जीवन। Thank you very much for your patience.